माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच में होने वाले मैच की। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में टेक्निकली मैं आपको टीम का प्रीव्यू बताऊंगा और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन पिच रिपोर्ट, टीम रिपोर्ट, मैच रिपोर्ट, मैच एनालाइज एंड फाइनल टीम जो टॉस के बाद आती है जिससे मैं खुद खेलता हूँ, यानी कि अगर कुछ चेंज होती है अभी तो मैं आपको टीम दे दूंगा बट टॉस के बाद अगर कुछ प्लेइंग इलेवन में चेंज होगी, कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ या फिर किसी प्लेयर के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला उसके बाद एक विनिंग टीम बनती है, वो टीम मैं आपको अपने टेलीग्राम पे देता हूँ। सो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो प्रेडिक्शन गुरु राहुल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच का जो टीम था वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया था और इससे आपने अगर खेला होगा तो आप जीते भी होंगे देन। तो चलो आज की टीम देखते हैं और देखते हैं कि आप किस किस को ले सकते हो। सो, टीम यहाँ पर मैंने ड्रीम इलेवन बनाया है और मैं पर्सनली इस एप्लीकेशन में नहीं खेलता हूँ बट बहुत से लोग इसमें खेलते हैं, सो टीम इसी में मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जिस एप्लीकेशन में खेलना है खेल सकते हो, दो तीन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप ज्वाइन कर लेना। सो, चलिए टीम देखते हैं डायरेक्टली टीम प्रीव्यू, बट उससे पहले छोटा मोटा कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि आपको एप्लीकेशन खुद बता देती है। तो गाइड पर चलते हैं, मैच स्टैट पर चलते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, चेन्नई और दिल्ली दोनों अगर पाँच मुकाबले की बात की जाए तो चेन्नई करीबन दो मैच जीत के आ रही है और दिल्ली अपना तीन मैच जीत के आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चेन्नई अभी लॉस में चल रही है। चेन्नई पॉइंट टेबल में टॉप पे है, देसी और दिल्ली सबसे नीचे है। अब यहां पे देखोगे तो इनका जीतना अब स्टार्ट हुआ है और चेन्नई ऑलमोस्ट मैच जीतते हुए आ रही है। पिच की बात कर लेते हैं, अगर आप लोग विनिंग पे खेलते हो कि कौन सा टीम मैच जीतेगी, कौन सा टीम टॉस जीतेगी, तो आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आप क्या करना, पिन पे क्लिक करना। यहां पर आपको दो तीन ऐप है जिसमें से आप किसी में ज्वाइन कर सकते हो, बस प्रेडिक्शन करना होता है कौन सा टीम मैच जीतेगी, टॉस जीतेगी। सो, यहां पर अगर बात की जाए तो अरुण जेटला स्टेडियम है, दिल्ली का पिच है और चेन्नई वर्सेस दिल्ली का मैच है, दिल्ली का पिच है, दिल्ली के प्लेयर को यह पिच सपोर्ट करेगी। तो इस पिच पे दिल्ली के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खासकर इस पिच पे डेविड वार्नर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो डेविड वार्नर को आप ले सकते हो देन। और यहाँ पे देखोगे तो बैटिंग में आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब कि इस पिच पे अगर 190 रन तक भी लग जाएंगे तो चलेगा, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अगर कोई पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है तो वो पिच पेसर को सपोर्ट करती है, बारिश की कोई संभावना नहीं है और एवरेज 166 का है। दोस्तों फुल्ली आप बोल सकते हो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है क्योंकि इस पिच का एवरेज ही इतना है और इस पिच पर आप देखोगे तो 200 रन तक भी लग सकते हैं अगर प्लेयर अच्छा खेले तो देन। यहाँ पर देखोगे तो टोटल विकेट की बात की जाए 60 विकेट गिरे, मतलब कि इस पिच पर विकेट भी गिरती है अच्छी खासी, दोनों को बराबर विकेट मिली है बट पेसर को फिर भी एक दो विकेट ज़्यादा मिले हुए। अब यहाँ पे बात की जाए विनिंग की, पिछले पाँच साल में दोनों के बीच में 12 मैच हुए हैं और 12 मैच में से दिल्ली ने जीता है 5 और चेन्नई ने जीता है 7। मैच जीती है दिल्ली भी बट उस टाइम ऋषभ पंत होते थे कैप्टन के तौर पे, बट अब यहाँ पे देखोगे तो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का ये मैच चेन्नई जीत जाएगी एंड चेन्नई के रेशियो भी ज़्यादा है। और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो और आपको खुद ये सब पढ़ने आना भी चाहिए, नहीं तो एक विनिंग टीम कैसे बनाओगे, और कोई भी टीम क्रिएट करता है तो वो इसको जरूर देख लेता है एक बार। टीम की अगर बात की जाए तो दो विकेट कीपर को मैं साथ जा रहा हूँ, डेविन कॉनवे और फिलिप सॉल्ट। बैटिंग में वार्नर, गायकवाड़, शिवम दुबे। अब दोस्तों देखो एक ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, या तो आप रहाने को लो या फिर दुबे को लो। रिडी रोसाओ के साथ भी कुछ लोग जाएंगे तो अगर आप चाहो आपके पास एक प्लेयर का चूज करने का ऑप्शन है जिसके जगह पे आप इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हो और ये आपके लक पे डिपेंड करेगा कि आप किसको लोगे और कौन प्लेयर चलता है। मैं शिवम दुबे के साथ जाऊंगा क्योंकि ये बंदा हर मैच में कुछ ना कुछ स्कोर कर देता है। यहाँ पे तीन ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, रवीन जडेजा। अगर मिचेल मार्श खेलेंगे तो मिचेल मार्श, नहीं खेलेंगे तो ड्रॉप कर देना इनके जगह पे, फिर तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप रिली रोसाओ या रहाने को ले लेना बट मिचेल मार्श का खेलना आज के मैच पर बहुत जरूरी है। नोकिया हो जाते हैं, दीपक चहल हो जाते हैं बॉलिंग में और पाथिराना। अब दोस्तों देखो चूंकि ये एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको ऐसे बॉलर को लेना है जो विकेट टेकर हो अपने टीम के लिए, जैसे कि दीपक चहल, इनको हर मैच में विकेट मिल रही है और बहुत अच्छा कैमबैक इनका हो गया है तो मैं इनको लेके जाऊंगा। और दीपक चहल के आने के बाद क्या हुआ है कि तुषार देशपांडे को विकेट नहीं मिली है, चूँकि जो विकेट तुषार देशपांडे लेते थे वो विकेट अब दीपक चहल लेके जा रहा है, चूँकि स्टार्टिंग में पहले ये बॉलिंग करते थे, अब दीपक चहल पहले बॉलिंग करा रहा है। तो यहाँ पे इनको देखने के बाद तुषार देशपांडे के ओवर भी मैंने एक दो मैच में करते हुए देखा है। पाथिराना हो जाते हैं जो कि पूरे 4 ओवर बॉलिंग कराएंगे, अगर इंपैक्ट में आते हैं फिर भी ये खेल रहे हैं तो, और आते हैं तो विकेट लेके जाते हैं, तो ये तीन ऑप्शन हो जाते हैं और एक सामने की टीम से मैंने एक रख लिया। बट अगर आपको लगता है कि दिल्ली के यहाँ पे आज का मैच बहुत घटिया खेलेगी तो आप नोकिया को ड्रॉप करके तुषार देशपांडे या फिर थिक्सना के साथ जा सकते हो, बट मुझे लगता है कि नोकिया को भी आज एक दो विकेट तो मिलेगी ही मिलेगी। अक्षर पटेल को मैंने कैप्टन लिया, वाइस कैप्टन गायकवाड़ को लिया है, बट दोस्तों देखो अक्षर पटेल बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट तो देंगे बट वाइस कैप्टन की बात की जाए
तो अगर मिचेल मार्श खेलते हैं तो आप इनको वाइस कैप्टन ले सकते हो, अदरवाइज पाथिराना एक अच्छे ऑप्शन होंगे, मैं गायकवाड के साथ जाऊंगा, डेविन कॉनवे भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं, और भी बहुत सारे स्टेट्स बाकी है, वो सब आने के बाद मैं आपको एक फाइनल टीम अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। मिलते हैं इस वीडियो में, पप्पा दिन स्वाक है, लव यू ऑल।